और भाई मन तो बैठे बैठे एक प्लान बनाया और इसने रिजेक्ट कर दिया। मगर साला मगर शाम में ट्रेन है तड़के दे वापस बस में। राम राम जी सारा ना, हमारे एक और ब्लॉग में आपका फिर तो स्वागत है। और भाई घर के नौकर लगे हुए हैं काम में, जिनको दिहाड़ी मिलती है, दो वक्त का टाइम, दो वक्त का खाना और सूट वगैरह, मगर इनकी दिहाड़ी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। चार्जर मत काटना मेरा, दो मिनट रुक जाए। मतलब मेरा रोटी अगर रहता है तो अच्छा। फिर ले टाइम तो उठे तो आज फिर अलार्म काट के सो गई 7 बजे खुली। अच्छा, अरे वो आप ठा दी ना, आप उठो ना। अरे हो और भाई अपने भी राम राम भाई सारा ना। तो भाई क्या नाम लेते हैं, मेरी सासू माँ ने गिफ्ट भेजा था मेरे खातर गाजर पाक, बिल्कुल बचा के ना, और वो मैंने खाया, बहुत बढ़िया लग गया। सासू माँ का बहुत बहुत धन्यवाद भेजने के लिए। और दे अब आज की मिर्ती एक कटोरी मंगाल के दिया, खाया मैंने और आता इसने खोस लिया। बोले ले आई तू अकेला अकेला खाओगा के। दो चम्मच सारी। हाँ दो चम्मच सारी थी, दो चम्मच थी, इतना था पापा दे दिया, आपने दे दिया। अच्छा फिर मेरे माँ तो क्यों मुँह मारे थे ना, दो चम्मच दे देता। काय के मांग गया था, मुझे काय के मांग गया था। और भाई पापा बोले कि आज भाई 15 तारीख है तो सबको एक गंगा स्नान करना है, तो तुम भी सब गंगा स्नान करो। अरे वो गंगा जल लेने जा रही है, इसमें 2-4 बूंद ये रखी ना बाल्टी में, और आप गंगा स्नान कर लेंगे आज। लिया लिया गंगा स्नान करेंगे, गंगा स्नान। हाँ बतेरा गेट, हाँ होगा गंगा स्नान, होगा गंगा स्नान। पापा की भी लगा दी एक बाल्टी पानी, पापा के दुकान स्नान करना है, लगा दो तो पाप का ही पानी। और कपड़े सारे पड़े आज, इनको सारे कपड़े इस करूँ मैं, बिल्कुल लेट आप खुली आँखें ना खुली जमा भी, बस फिर बाज के तो सब दाल दूल बनाई, इतने चाव चुपनी, इतने प्याज टमाटर वगैरह काटे, और फिर मतलब भी दाल बनाई है उसकी, दाल पालक, कुछ पालक का पालक थोड़ी रख ली बापन कढ़ी में, पालक स्वाद अलग, इसने दाल पालक स्वाद अलग, तो एक कढ़ी बनाऊंगी शाम तक, मतलब कुछ सुबह बनाऊंगी, फिर उसमें पालक गेड़नी है, तो ये लहसुन दी मैं चुन और कपड़े का दी मैंने प्रेस कर, और जल्दी जल्दी रोटी और बना दी, टाइम 8:00 हो रही है। और भाई इसमें अपने मूली मिर्च हो गए, इसमें रोटी हो जाएगी, इसमें दाल हो जाएगी, अपना टिफिन पैक, और ये अपना लाग रही सुगली, टाइम तो कर दिया नहीं, दाल दाल हो रही है। अच्छा ठीक है। और ये मैंने करी रसोई साफ, मतलब रोटी राटी आगे मैंने लिया कर, और झाड़ू पोछाई भी रह रहे, और मैंने खिंडाली मेरी अलमारी, मैं पहले अलमारी जचा दी सुतरी डाल, क्योंकि कपड़े खिंडम मिंडम हो रहे थे सारे मेरे, ज़्यादातर मेरे हो रहे थे, क्योंकि फटने नहीं खिंचा और पैरा, तो 10-15 दिन में बिन्ना, मैं जब बिन्ना मैं अलमारी में जचा दिया करूँ, क्योंकि मैं मेरे कपड़े खुद खिंडा ली हूँ, तो जो घर ने पहन के सूट है एक्स्ट्रा, जो मतलब 2-4 वे घर ने पहन के वे लगा लूँगी, और एक्स्ट्रा मैं सारे से अलमारी में हिम जचा दूँ, ये सारे सूट साट निकाल लिए, और ये अलमारी में जो पन्नी पैक काले थे वे जचा दिए, और नीचे वे जचा दूँगी। ये एक यो सूट है मैंने जो सोच रही हूँ घर ने पहना लगा ली, पूरा ड्राई क्लीनिंग का धरना ही पड़ेगा लास्ट में। और मैं नानू क्योंकि रेडी, और आज पहले मैंने सूट है तो वैसे बिल्कुल चिकना, मतलब सलवार में तो बिल्कुल भी इनर कोनी, कमीज में इनर है, बाजू का कोनी मतलब वैसे है, तो फिर मैंने पैर लिया, मैं वैसे कई दिनों में धूप से निकल रही है, मोटे भी कौन सलवार मोटे है भी कौन, वैसे मैं ये डालिया करूँ, और भी इन तीन पौधा ने पूछा दी मैं ऊपर, क्योंकि ये उरा मरुआ था वह रहा था, नहीं चांद वो भी सुकन लगे, क्योंकि और धूप कौन लगती है, ऊपर थोड़ी थोड़ी फुहार सी पड़ती रहा है, और फिर धूप भी लगती रहे तो ऊपर सही रहा है पौधे, तीन तीन बार तुलसी ने भी इसने भी अरिस ने भी समाज नया पौधा उगाऊंगी, वह गासी नूनू गुलमेटे से आई वह गास लगाऊंगी आज इसमें, और भी ने पहुँचा दी मैं ऊपर, और एक टाइम हो रहा शाम के 5, और मैं लिया मेरा सूट का अस्तर पापा के ला जाके, जो कल लेके आए थे उसका अस्तर और लिया, फिर उसने सिमवा लूँगी, और पापा के ला जाऊँगी स्कूटी पे। अरे मैं लगा दी ताला,
तो वही आया था घर ने और कहा कि ने कपड़े कुपड़े चेंज करे हैं, मेरा दूसरा कोट सूख गया कोने, तो अपना अपा ने जाटे का जुगाड़ अपना ओढ़ लिया जो है जाटे ने कट का और ये अला करिए दूध की उल्टा पलटी करण के आज सही है। फिर क्यों फालतू तो मंगवाना मूली लेन क्योंकि मेरा आज फिर चावल खाने का जी कर रहा है चावल कही थी मैंने जान है तेरा उच्चा सुना था और भाई हाँ उबाल के कुकर बनाओ क्यों बनाओ ना नू वो कढ़ाई है उबाल कर चावल हाँ उबाल दे बढ़िया लग के बना और भाई घी हमने रख लिया अर्शित कुत्ता दी पह दिया अच्छा पहलवान बना होगी इब चांदी गाल जाएगा बेटे चांद ओ चांद चांद किसी और ने भी पी लेनी थी यो भाई मारी गली का शेर हाँ 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 कोई दिक्कत कौन है वो दूसरे पॉलिथीन में भी थे ना अरे वो पॉलिथीन में भी तो बच रहे हाँ आइए रे ये भी सही है ये भी कर दे मिक्स कर दे खा ले पेट में तो जाने से कड़ा और ये सुरसी दिखा दे 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 पापा के थोड़ा बोलिया तो नुका दे जाओ या मरी पड़ी है एक बस या रुक जा हाँ दिखा फिर तन्ना बड़ी दिख जा है और भाई इसके साथ हो गया स्कैम बर्तन दो थे हाँ चाय के पापा के मेरे हाँ ये इतने कितना आ गया देर कितने आ गए देखिए कितने हो रहे हैं थोड़े हो रहे हैं थोड़े से तो सही है और ये भी बनाने लग रहा है अपना चावल क्योंकि साथ कई दिन हो गए थे जा रखनी कई दिन हो गए थे इसका जी करते 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 चावल खाने और मैंने चावल दिए उबाल बाफ दे कितनी बन रही चावल आके और सारे बर्तन दिए एक बार मांस धनिया कौन नहीं सारा मत काट दिए थोड़ा गिर लिए पता सारा काट दो नहीं थोड़ा काटियो ये भी चक्को जमाई खून डाली लेगा जो जमाई पहना ले होगा और मैंने सुने पापा का तरचो मैं पापा खावा रोटी कुछ रोटी हो जाएगी कुछ थोड़े थोड़े चावल हो जाएंगे समझदार हो गया ये प्लेट ले मैं बेरा काम खिंदा है ले ले चीज मैंने क्यों की थी महंगा कौन फिर जीरा वैसे सच्ची बता दे बहुत चीज महंगा कंधे चीज पापा जीरा कै रुपये किलो है और साढ़े सात सौ का शायद आठ सौ रुपये किलो है जीरा सात सौ देवा था कौन वो था। हाँ तो वो है था वो सात सौ देव था सात सौ तो सात सौ रुपये किलो सस्ता और सौ किलो ले तो सौ रुपये किलो तो लिया जाओ सौ रुपये किलो का जीरा हो गया कौन है थोड़ा पका तो ले नमक डाल ले इसमें और डालो और डालो बस बस नमक कम हो गया इसमें
मैं डालने जाऊंगी, बता दिए कितना डालना है बस। और चावल हो गए हमारे तैयार, और उरमन दाल और दूध गला गर्म कर दिया, मड़की हड़की में ये भी हो जाएंगे। और पापा के पहले हम काट दिए थे, एक सही मिर्च हो जाएगी। मैं पापा बिल्कुल कर दो बंद के प्लेट दूँ, थाली या थाली उपरा दे दूँ के दूँ प्लेट नो मत तारे सितारा मत ना, ये बढ़िया पागर मतलब साइड के पागर जो नरे मिर्च मिर्च के पागर। और भाई मन तो बैठे बैठे एक प्लान बनाया और इसने रिजेक्ट कर दिया, मगर साल असल चलना वहाँ शाम में ट्रेन है तड़के दे वापस बस में। अरे ठंड जा बस में आड़े तो जाओगे आप उसमें ट्रेन में। हाँ आती आना बस उल्टी पट पट के बावली हो जाऊंगे नहीं, और ठंड का मैं अंदर चल मेरे बस की बात को नहीं, तो एक बार कृष्णा बस में बिठा दी तो मैं जी दुखी पाया मेरा जुगाड़ मेरा कम रहा इस मोच न देख लिया सोच लिया ना, तो मैं अकेला जा रहा हूँ आगे फिर कितने जाऊंगी को नहीं गलत और सबेरे ले दे मतलब रोटी बना के एक लाचो ना जाऊंगा। और भाई ये खाना खुना खा के ना, और मैं तो थोड़ा साड़ा हाड़ लू हूँ, और अपनी पत्नी लगी हुई है भाई बर्तन सफाई में, या लग ही रह सा सारा दिन लग ही रह सा बेचारी। ओहो हो अच्छा सही बात है भैया, दिया दिया। और भाई कहाँ जाए यार, मेरा कहीं जाने का मन कर रहा है, और यार जाते हुए दुबकी बैठी है कि मेरा अगर ठंड लग गई तो तने एक दिन की छुट्टी कोने। हाँ साला सर चल दो एक शर्त पे। हाँ 5 किलो पंजीरी दवाई की लेनी पड़ेगी। वाह क्यों है साला सर का जो प्रसाद होवे पेड़े और तू आड़े बना ले यार। मैं कौन बना उसी कौन बना हुआ 5 किलो वा दवाई की लेनी पड़ेगी, 2 किलो वे लड्डू। कौन से 2 किलो वे पेड़े कर दी ना, वा अनपढ़ वाली बात के समझाई थी मना तो हर जग हर चीज हर जगह मिला ऐसा उड़े मिलती वा उड़े 700 रुपए किलो है, 450 रुपए किलो है के वो पेड़े ना मम तो भी खावा में साला सर का ही हो प्रसाद प्रसाद दे होगा वो दुआ तो मचा दे दे भाई। मेरा तो ब्योत कर यार, मेरा तो इतना ब्योत है मैं 100 रुपए की 2 टिकट कटवा लूंगा, और रात ही आना 250 250 और 300 300 रुपए की टिकट है, आंधी आने 250 300 रुपए की टिकट है बस की। बस अपना तो ये हाँ वहां दिवाली आऊंगा 30 40 रुपए किलो सारी से। तो के 600 रुपए 600 रुपए किलो कौन का है तू जान है तो? मारे हाथ का हाथ है तो कर पे किलो 100 150 रुपए किलो दिवा दूंगा, चाल कितनी चाहिए मारे हाथ का हाथ है। किसी बात करती भाई, औरत को नहीं समझाया जा सकता, खुद तो आने का है कि देसी वेसी कुछ ना होता, आड़े तो जलेबी लेने चली जाना रोड पर देसी घी वाली, बोले हैं क्या का देसी घी वो उसका है तो डालना है घी, इसमें के देसी घी रह गया रमन ने क्या छुपा ली। तो भाई एक किस्सा है, परसों की बात थी, एक है ना इंस्टाग्राम पर है वो प्रमोशन वाला आ गया, नो बात कौन थी वा नो ही थी ना। हाँ
एक मतलब प्रमोशन वाला था उसका, मतलब मैसेज आया प्रमोशन का तरह, ठीक है, मैंने भेजा यस का मैसेज, फिर उसका उसने पूछा मतलब प्राइस, तो मैंने उसका आगे मतलब बता दिया, फिर उन्होंने बोला भाई इंग्लिश में लिख के भेज, मैं बोले थे इंग्लिश मीडियम मगर संभाली अंग्रेज आ गया फिर ये सो है, फिर वो बड़ा मैसेज फिर छोड़ दे, मैंने उसको सुना है कि फिर मैसेज आ गया देख अंग्रेज पैदा हो रहा और फिर ना फिर उस दिन मैं ये फिर नुका बोला इतना बुंडा हूं मगर क्यों मरना तो बता दे के लिए करा के सर मारो को मरना तो बता दे, फिर उसका आज भी मैसेज आ रहा था कल ही, मैं बोले अंग्रेज मर जाना मैं खड़कित पैदा हो और ही करे मैंने कपड़े चेंज और ही बड़ी मरी जाई, मैं सुबह उठी थी सुबह की मैं ई बड़ी हूँ देख लो क्या टाइम हो रहा है, और ही मैं बैठी बैठी कहने लग रही थी मैं अंग्रेज तो चल कोई बात नहीं ठीक है, और क्योंकि मैं हिंदी हिंदी का तो मतलब थोड़ा बहुत रिप्लाई कर दूँ, लेकिन जमा एक अति अंग्रेज हो रही जमा अंग्रेज से जमा लास्ट उसका रिप्लाई कौन दिया जाता, तो फिर वो ये बात करा करें, और मैं कहने लग रही थी मैं रिश्तेदारी आई अद्धे को नहीं कद कौन आया था कहने ले कई दिन हो गए कोई लेके को नहीं आंदा पड़ो रोटे, तो आज का व्लॉग मेरा यो था, अगर अच्छा लगे तो अपने बेरा चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो ने लाइक कर दियो शेयर कर दियो प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो, कल फिर मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट टाटा बाय बाय।